बात जरा समर वेकेशन को लेकर करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों से लगातार मुसलसल समर वेकेशन को लेकर बातचीत चल रही थी कि क्या आखिरकार फिर से स्कूल्स के अंदर समर वेकेशन देखने को मिली थी और मिलेगी, और पेरेंट्स भी लगातार जो है इस बारे में गुजारिश कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार फिर से समर वेकेशन जो है वो स्कूल्स के अंदर करनी चाहिए, जिस हिसाब से मौसम यू कह सके कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है, एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं से ये राहत जरूर हो सकता है कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि समर वेकेशन फिर से स्कूल्स में करना पॉसिबल नहीं है और वेदर को मद्देनजर रखकर हम इस बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से कहा, ये कहा, एक ऑप्शन दिया है कि जो भी बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगा प्रेजेंट कंडीशंस के अंदर, उन्हें जो है अटेंडेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, यानी कि अटेंडेंस ना होने के लिए उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिरदी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। समर वेकेशन को लेकर बात चल रही थी और उन्हें साफ तौर पर कहा कि जनाब अब समर वेकेशन जो है वो स्कूल्स की करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज की अगर बात करें, करीबन 36 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान आज देखने को मिला था, गर्मी की शिद्दत जो आज देखने को मिला था, और वही कुछ मिनट पहले जो है ये एक बड़ा यू कह सकते हैं कि स्टेटमेंट डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से आया है कि जनाब अगर बच्चा स्कूल जाना चाहे तो वेल एंड गुड, वो जा सकता है, और अगर कोई बच्चा इस कंडीशन में या इस गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत में स्कूल नहीं जा सकता या इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर स्कूल नहीं जाना चाहता किसी कारण की वजह से, तो उन्हें अटेंडेंस को लेकर स्कूल के अंदर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। स्कूल के अंदर उन्हें शॉर्टेज खसूसी तौर पर छोटे बच्चों को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा था और इस पर पेरेंट्स ने लगातार जो है इस बारे में गुजारिश की थी कि आखिरकार इस बारे में सोचा जाए और फाइनली जो है इसके हवाले से एक बड़ी राहत कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए। और ये जरूरी भी है कि अगर कोई बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, कोई बच्चा स्कूल जो है स्कूल के अंदर अनकंफर्टेबल फील करता है, स्कूल के अंदर यू कह सकते हैं कि डिहाइड्रेट होता है या गर्मी की शिद्दत को देखकर वो यू कह सकते हैं कि बीमार पड़ जाता है, तो उसको लेकर जो है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जनाब बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो है वो स्कूल जा पाएगा तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, अगर नहीं तो उनके बच्चों को स्कूल के अंदर अटेंडेंस को लेकर कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सजा नहीं दी जाएगी।